नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। आज शेरकोट के एक गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब बीती रात शादी समारोह में दो मासूम बच्चियों के साथ किसी अज्ञात दरिंदे ने दुष्कर्म जैसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस की तमाम टीमें अज्ञात दरिंदे की तलाश में जुट गईं। दरअसल आपको बता दें कि शेरकोट के निकटवर्ती एक गांव में बीती रात एक लड़की की शादी थी, जिसमें एक 6 साल की मासूम बच्ची सोहारा के एक गांव से रिसेप्शन में आई थी, जबकि दूसरी बच्ची 5 वर्ष की थी जो कि शेरकोट के ही गांव की थी। बताया जा रहा है कि बीती रात दोनों बच्चियां डीजे पर हो रहे डांस को देख रही थीं, लेकिन अचानक दोनों बच्चियां गायब हो गईं। काफी देर तक इधर उधर नहीं दिखी तो परिजनों ने दोनों बच्चियों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन जब दोनों बच्चियां कहीं नहीं मिली तो लोग जंगल की तरफ तलाशने लगे तो दोनों बच्चियां जंगल में बदहवास अवस्था में दिखीं। बच्चियों को बदहवास अवस्था में देख दोनों बच्चियों के परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्चियों के कपड़े खून से लथपथ थे और बच्चियां होश में नहीं थीं, तो परिजनों ने घटना की सूचना शेरकोट पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी और मामला जब जिले में हाईलाइट हुआ तो डॉग स्क्वाड समेत पुलिस की तमाम टीमें घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गईं। फिलहाल घटना से पूरे गांव में सनसनी फैली हुई है। हालांकि अभी तक दरिंदे का कुछ अता पता नहीं है और पुलिस हर एक पहलू से मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक बिजनौर नीरज कुमार जाधव ने प्रेस वार्ता कर दी घटना की जानकारी। चंद्रकांत पांडे की खास रिपोर्ट। आज सुबह शेरकोट पुलिस के एक पिता ने सूचना दी कि उनके गांव में, शेरकोट थाना क्षेत्र के गांव में, उनके घर पर बारात आई हुई थी। रात में उनकी बच्ची, 6 वर्षीय बच्ची तथा उनके साली की बच्ची दोनों मिसिंग हो गई थी। ढूंढने पर वो सुबह मिली तो उन्होंने ये बताया कि बारात में एक चाचा आए हुए थे, उन चाचा ने उनके साथ गलत कार्य किया है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, बच्चियों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तहरीर लेके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शादी और बारात के वीडियो में उस व्यक्ति की तलाश की जा रही है, शीघ्र उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, समस्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।